दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं सानिया जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आती हैं। जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। सानिया जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं सेकंड ईयर में हूँ बीए बीएड। डेरा सच्चा सौदा में आप बचपन से आ रहे हो, आपकी फैमिली भी आती है? हाँ जी। कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, आके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बीइंग गर्ल सेफ महसूस करते हो? हाँ जी। कभी भी ऐसा महसूस किया हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया सर? समाज के लिए मैंने बहुत सारे पेड़ उगाए हैं। ब्लड डोनेशन अभी तक नहीं किया क्योंकि अभी तक मेरी एज नहीं हुई है। मैंने गरीब बच्चों के लिए भी काफ़ी सारा डोनेशन दिया है। संत जी ने क्या किया है? बहुत सारे पिताजी ने कार्य किए हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे जैसे पेड़ उगाना, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने और पेड़। आप आज के समय में कोई किसी को बाल तक देना पसंद नहीं करता? जैसे आपने बताया आपने काफ़ी काम किए हैं समाज के लिए, किस सोच से, किसकी वजह से किए हैं? ये सब पिताजी ने मोटिवेशन दिए हैं हम सबको। आप पिताजी क्यों कहते हो उनको? पिताजी क्योंकि मुझे वो अपने पापा जैसे लगते हैं, इसलिए मैं उन्हें पिताजी कहती हूँ। 4 साल हो गए मैम अब वो समाज में नहीं, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? बहुत बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें। और ज़रूरत है उनकी बहुत ज़्यादा। क्या मांग करोगे सरकार से? कि प्लीज़ पिताजी जल्दी जल्दी से इधर आओ, आप हमारे दिल में तो हमेशा से हो, प्लीज़ देह रूप में भी यहाँ पे जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द संत जी समाज में आए, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं, ये लगातार अपील की जा रही है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम।